मंतशा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। अभी मैं आई हुई हूँ जद्दा की मशहूर मार्केट बलद। ये समझ लें कि आप जद्दा का दिल है और इसके पीछे एक बहुत रिच हिस्ट्री है। अब मैं क्या क्या बयान करूँ। स्पेशली जो सऊदी अरब हज उमरा के लिए आते हैं हाजी, उनके लिए दो चीज़ें तो कंपल्सरी होती है जाना, एक अलबेग और एक बलद। इसके बिना हाजियों का ट्रिप अधूरा रहता है, तो इसीलिए मैं आज आई हूँ बलद। अब मैं आपको मजीद बलद के बारे में बताती हूँ, ज़रा मैं अंदर चलूँ फिर मजीद बात करते हैं। सो यल्ला। जब से जद्दा में इतने सारे मॉल्स खुल गए हैं और इतनी ज़्यादा और भी जगहें ओपन हो गई हैं मार्केट्स की, तो मुझे लग रहा था कि लोग बलद आना प्रेफर नहीं करते, लेकिन यहाँ पर जब मैं आई हूँ तो पार्किंग का कोई सीन ही नहीं है। मुझे लग रहा था कि कोरोना के बाद यहाँ पे इतना रश नहीं होगा, वरना तो मैं साईं को कही थी सड़कों पर खड़े होने तक की जगह नहीं होती, तो साईं कह रहे थे नहीं तुम देखना अभी भी उतना ही रश होगा। और वाकई ही यहाँ पर तो लूट मार किस्म का रश लगा हुआ है, यानी कि मॉल्स में भी रश, यहाँ भी रश, इतनी पब्लिक आ रही कहाँ से। तो बस मेरा यहाँ आने का जो मकसद था वो मैं आपको बताती हूँ, जरा मैं सड़क क्रॉस कर। कोई आज से एक डेढ़ साल पहले मैं यहाँ पर आई थी, अंदर मार्केट में एक इंडियन भाई की शॉप हुआ करती थी। नो बाबा, इंडियन भाई की शॉप हुआ करती थी। मैंने एक डिज़ाइनर अबाया उनसे बनवाया, डिज़ाइनर अबाया को कॉपी करके उनसे बनवाया था। डिज़ाइनर अबाया था कोई 1200 रियाल का, और उन इंडियन भाई ने मुझे कपड़े समेत 200 का बना के दिया था, और एज इट इज़ के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया था। तो आज मैं उन भाई को ढूंढते हुए यहाँ पर आई, लेकिन मार्केट के तो अंदर से सीन ही टोटली बदल चुके हैं। मैंने बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा, और आजू बाजू वाले कुछ लोगों से पता करना चाहा, वो भी सेम शॉप्स नहीं मुझे लग रही थी कि आजू बाजू वाली वही शॉप्स हैं, तो उन्होंने कहा वो दुकान तो बंद हो चुकी है, बंद हो चुकी है। और मेरा दिल टूट गया, मैंने साई के मिलते तरले किए कि हाँ जा मुझे बलद ले जाएं, क्योंकि मैं बलद आना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती। सिर्फ उस अबाए के चक्कर में आई और वो बंद हो चुका है, यानी कि मेरी किस्मत। तो बस अब जब आए गए हैं तो थोड़ी सी विंडो शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं और थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं, मौसम का फ़ायदा उठा लेते हैं। सो ये अल्लाह आए, आज आप लोगों को जो जद्दा से बाहर रहते हैं उन्हें मैं बलद की सैर कराती हूँ। अल्लाह खाऊं, आंटी ने वीडियो के चक्कर में लगता है सारी सॉसेस डाल देंगे, मैं वीडियो बना रही हूँ। सुकून आया, रश इतना जालिम, रश इतना जालिम, रश आउट ऑफ कंट्रोल हुई हुई है पब्लिक। मॉल्स भी हैं और ठेले भी लगे हुए हैं, तो अगर किसी को प्योर पाकिस्तानी देसी माहौल चाहिए तो वो बलद आ जाए, और बलद आके बाहर का ही मंज़र इन्जॉय करे, अंदर मॉल्स में नहीं जाए, जैसे कि मैं नहीं जा रही, बाहर ही सारा घूम फिर रही हूँ। ऐसी सख्ती रखी हुई है इन्होंने, आप लोग देख रहे होंगे कि आज मैंने पूरे व्लॉग में मास्क लगाया हुआ है। अभी थोड़ा सा चुपके से मैंने नीचे किया है, मुखालफा पड़ रहा है, जो भी मास्क उतारा हुआ है पुलिस वाला ऐसे करके बुला रहा है और कह रहा है लाओ अकामा दो। सो मुझे आदत नहीं है मास्क लगाने की,
बच्चों के बहुत अच्छे किस्म के सॉक्स मिल रहे थे सिर्फ और सिर्फ 5 रियाल में। अब मैं देख रही हूँ कुछ स्टॉल्स खाने पीने के अगर मुझे मिल जाएं, क्योंकि यहाँ अन्नेवा किस्म का रश लगा हुआ है और अंधेरा भी हो गया है और मैंने मास्क का एक कान का वो नीचे उतार लिया है मुखालफा पड़ा मैं तो साईं मेरी पॉकेट मनी से काटेंगे, अल्लाह ना करे। तो बस अब मैं कुछ स्टॉल्स देखती हूँ और कुछ खाते हैं। मुझे मेरे मेयार के मुताबिक तो नहीं, बट ये कलरफुल मास्क मिल गए हैं। उस मास्क से तो मुझे अजीब सा हो रहा था, वैसे इससे भी होगा, लेकिन मैं लगा लेती हूँ। दो लिए मैंने 5 रियाल में, एक 5 का था, 10 के 2 लिए हैं। दिखा, एक ये लिया है, लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। अच्छा दिख रहा है, सिंगर की सिलाई मशीन। आप ये देखें ना, इसमें बिजली की ज़रूरत है ना सेल की ज़रूरत है, ये सिर्फ आप टक टक करें और ये भी आपको सी के दिखाएंगे। उनके मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें 15 रियाल, ये मैंने ली है 15 रियाल की और ये बाकी पैसे मुझे मिल गए हैं और बहुत अच्छी है। मैं घर में सीखी इंस्टाग्राम पे। ओके, ये क्या ये कार का स्प्रे होम स्प्रे? बिना फूड के अधूरा रहता है, तो इसलिए हर व्लॉग में फूड का होना बहुत सख्त जरूरी है। शोना मेरी शोना शोना। तो जो लोग मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं, यहाँ का शवारमा आप लोग देखें। वैसे तो मैं शवारमा पे एक व्लॉग जरूर बनाऊंगी, वो इस तरह का होता है जो पाकिस्तान में ये भर भर के इतना मोटा ओवरलोड करके दिया होता है, वैसा नहीं होता। ये सिंपल यहाँ की रोटी में कोल्ड हुआ होता है और इसके अंदर चिकन होता है, जैसा कि मैंने वहाँ पर आपको वीडियो में दिखाया, वो वहाँ से ही क्रश कर करके नीचे गिराते हैं। सो मैं बिस्मिल्लाह इसको टेस्ट करती हूँ। ठीक है, नॉट वाओ, सो सो। जूस में दम है, शवारमे में दम नहीं है, जूस बहुत पावर है। तो जी, शवारमा खा लिया बच्चों ने और साई ने, मैंने सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट किया। अब हम यहाँ से जा रहे हैं कॉर्निश कमर्शियल सेंटर में। हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया था क्योंकि नीचे पार्किंग का कोई सीट नहीं था और जबकि मुझे लग रहा था यहाँ पे रश नहीं होगा कोरोना की वजह से, लेकिन यहाँ तो तबाही मची हुई है। तो बस अब हम ऊपर जाएंगे, अपनी गाड़ी लेंगे और निकलेंगे। यल्ला। Jumped out of my dreams, pretty eyes so wise and pristine. I couldn't ask for more than the day you came to my door. Open eyes, 'cause I couldn't believe you were right in front of me. So I hope आप लोगों को मेरा ये बलद का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग भी कभी सऊदी अरब आए और आप लोगों को डिस्काउंटेड शॉपिंग करनी हो बल्क में, तस्बी, जानमाज, खजूरें, मतलब इस टाइप की चीज़ें, तो आप लोग बलद ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह रहमान। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह रहमान। शब्बा है।